उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। विंटर का सीजन आ चुका है और गाजर का हलवा ना खाए भला ऐसे कैसे हो सकता है। आज स्टाफ रूम में जो हम जितने कॉलिग्स हम सब बैठ के जब रेसेस टाइम में चाय एंजॉय कर रहे थे तो बातों बातों में हमने ये डिसाइड किया था हम सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एंड कोई एक टीचर अपने घर से कुछ बना के लेके आएगा। मैंने कहा मैं बनाऊंगी और फिर डिसाइड हुआ गाजर का हलवा, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे मैंने अराउंड 150 प्लेट्स गाजर का हलवा बनाया था। तो मैंने सोचा कि फिर से वही टेस्ट जितने भी नए कलीग्स आए हुए हैं उनके लिए बना के लेके जाओ। और दुलाई पराठा तो अभी डिपेंड करता है कि मैं चिकन लेने जा पाऊँ या नहीं, पता नहीं। अगर मैं चिकन लेने जा पाई तो फाइन स्टफिंग चिकन का होगा, अदरवाइज अंडे का या फिर मैं पनीर का स्टफिंग दे दूँ। हम निकल पड़े हैं ड्राई क्लीन के शॉप पे, यहाँ पे मुझे अपनी साड़ी पॉलिश करानी थी। असम सिल्क साड़ी। पास में था बेलतोला बाजार तो यहाँ पे मैं आ गई, मुझे गाजर खरीदना था। एंड यहाँ पे ऐसा कौन सा सब्जी या फ्रूट है जो आपको नहीं मिलेगा? बस मैंने घर के लिए भी कुछ सब्जी खरीद ली है। मेरे घर के बाजू में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है एंड पूरे गुवाहाटी में यही एक जगह है जहाँ से मैं मोमो खाती हूँ। एंड बाय द वे मोमो के साथ ये चम्मच कर क्या रहा है भाई? मोमो खाना है तो हाथ से खाना चाहिए। एक किलो गाजर को यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये घी। भाई गाजर का हलवा हो चाहे कोई भी हलवा हो, घी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये सारा बाकी इंग्रेडिएंट्स जो मुगलाई पराठा में बनाने वाली उसके लिए, और ये सब कुछ हलवा। सबसे पहले हमें गाजर के पानी को सुखाना है, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे घी। घी अच्छा खासा डालिए, जनरसली डालिए, घी में कमी नहीं होनी चाहिए। घी ही सब कुछ होता है एक हलवे के लिए। उसके बाद हमें इसको भूनना है, जितना भूनोगे आपका हलवा उतना ही टेस्टी होगा। इस डब्बे में थोड़ा घी बच गया था, उसको मैं अभी फेंक नहीं सकती और ना इसको निकाल पा रही थी, तो मैंने क्या किया थोड़ा गर्म गाजर को इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से शेक कर लिया है। भाई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक एक ड्रॉप घी जो है पूरा हलवे में जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना सारा ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ। हलवा यहाँ पे भून रहा है तब तक मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है। एक किलो गाजर में मैंने एक बड़ा ग्लास दूध डाला है और तीन चार इलायची कूट के दिया है। चीनी डालने में आप कंजूसी ना करें, अदरवाइज आपका हलवे का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो दिल खोल के चीनी डालिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हद से ज़्यादा भी डाल दो। बस हम अपने हलवे को इस तरह से भूनते रहेंगे और इसमें मैंने डाल दिया एक कटोरी मावा। मावा से इसका टेस्ट में चार चांद लग जाएगा और साथ में ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स। मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ, जस्ट मैंने चेंज किया और मैं किचन में चली गई। ये जो रेसिपी गाजर का हलवा का रेसिपी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, ट्रस्ट में ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये मेरे भाभी की रेसिपी है। और आई एम ग्लैड मैंने उनसे ये रेसिपी सीखी है एंड मैंने काफ़ी बार ये रेसिपी बनाया है। एंड जब मैंने इस रेसिपी को बनाया सब ने रिव्यू अच्छा ही दिया है, तो आप भी ये रेसिपी बनाइए एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट। मुगलाई पराठा या फिर पनीर स्टफिंग पराठा के लिए मैं लूँगी आधा किलो मैदा। मैंने थोड़ा मैदा उठा के रखा है क्योंकि रोटी बनाने के टाइम पे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा नमक, थोड़ा तेल और ज़रूरत के हिसाब से पानी देके मैंने अच्छा एक डो तैयार कर लिया है। फिलिंग यानी पनीर फिलिंग के लिए मेरी सारी सब्जी तैयार है, कैरेट, टमाटो, कैप्सिकम, कोरिएंडर, यहाँ पे पनीर स्क्रैम्बल कर लिया है मैंने और प्याज। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, उसके बाद एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट को आप अच्छे से सॉटे करें और फिर इसमें आप डाल दीजिए प्याज। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएं और उसमें डाल दीजिए नमक और फिर जितना भी आपका वेजिटेबल है सब डाल के उसको अच्छे से सॉटे करें। इसमें सारे स्पाइसेस, हल्दी, चिल्ली, कोरिएंडर, जीरा पाउडर डाल के अच्छा से इसको मिक्स करें। उसमें गर्म मसाला और आमचूर पाउडर भी डालें। बस अच्छा से सॉटे होने के बाद इसमें डाल दीजिए स्क्रम्बल्ड पनीर, अच्छा से मिक्स कर ले। ऊपर में डाल दीजिए धनिया। यहाँ पे मेरा स्टफिंग तैयार है। फाइनली सब काम ख़त्म हो चुका है, हलवा तैयार है, डो तैयार है, फिलिंग तैयार है। एक्चुअली काम मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, अराउंड 9 PM को मैंने स्टार्ट किया था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया है।
एंड अभी आई टेक शावर एंड ऑफ टू बेड। उठते ही सबसे पहले मैंने हलवा और स्टफिंग को गर्म किया है। यहाँ पे थोड़ा प्याज ले लिया है मैंने, 2-3 अंडा और थोड़ा नमक, देखिए इसको मिक्स करके मैं साइड में रख दूंगी। टेक अ स्मॉल बॉल ऑफ डो एंड रोल इट इनटू योर रोटी। इसके बीच में जो स्टफिंग है उसको आप रख दीजिए 2-3 चम्मच, और उसके ऊपर जो मैंने अंडा रखा है उसको रख के चारों तरफ से रोटी को फोल्ड कर लीजिए एंड धीमी आंच में इसको सेक दीजिए अच्छा से। मेक श्योर आपको चारों तरफ इसी तरह से सेकना है, अदरवाइज कच्चा रह जाएगा। बस बन गया है आपका पराठा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैंने दोनों चूल्हे पे लगा दिया है। जस्ट चेक दिस, कुछ इस तरह से बनता है। कुकिंग करने से पहले वन लास्ट टाइम मैं हलवे को गर्म कर लेती हूँ। मेरे पास एल्युमिनियम कंटेनर था तो बस उसी में मैं पैक कर रही हूँ सब कुछ। तो फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है। यहाँ पे है गाजर का हलवा, ये भी है, और ये सारे है पराठा। अभी इसको मैं पैक करूँगी, किचन साफ करूँगी, नहाना एंड मुझे जल्दी जल्दी निकलना है। घर पे कुछ पैकेट्स पड़ा हुआ था सॉस का, ये भी ले लेती हूँ। तो मैं हो गई हूँ तैयार, खाना भी रेडी है। यहाँ मैं सबको खाना परोसने की तैयारी कर रही हूँ। आदमी हाथ से खाते हैं ना सर? यस। ना करो करो किए से।